हरिद्वार की दो सबसे खतरनाक टावर, एक तरफ आप देख रहे होंगे 200 जन लीटर वाली और एक तरफ ये वाली टावर, तो दोनों टावर एक साथ हमें अपनी माँ कोई लेके न गया 50-50 किलोमीटर दूर तक मेरे इलाके में। आप पहले वो होंगे जो अपनी माता को गांव में तो कोई लेकर नहीं आया। बिल्कुल एक बार फिर से निकल चुके हैं अपने हर हर महादेव जय माँ गंगे। एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हमें नेशनल हाईवे हरिद्वार जाते हैं और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी टावर हमें दिखी है और बड़ी अलग सी है। अगर आप कलयुग का श्रवण फोन मारने कहेंगे तो गलत नहीं होगा। अभी बातें करते हैं इनसे और जानते हैं इनके बारे में, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और कितना जल है, कितना माता जी का वजन है। तो आप पीछे देख पा रहे होंगे यहीं पर हम चलेंगे और बात करेंगे उनसे। तो अभी हम खड़े हैं बिल्कुल पीछे, अगर आप इस तरफ देखेंगे हमारे तो ये ओम घाट ओम सेतु बिल्कुल हाईवे पर हम हैं और हमारे साथ हैं कलयुग के श्रवण कुमार। अगर हम कहें तो मुझे नहीं लगता गलत होगा। तो बात करते हैं, अगर हम आपको कलयुग के श्रवण कुमार कहें तो गलत तो नहीं होगा? तो आप अपना नाम बता दीजिए आपका ना। मेरा नाम देव। अच्छा, कहाँ से? जिला उल्लंघन। अच्छा, उल्लंघन। तो आपने कैसे सोचा कि आप माता जी को इस तरह हरिद्वार घुमाएंगे? साल भर से। अच्छा, साल भर से यही सोच रहे थे कि माता जी को ऐसे तीर्थ। मेरी दादी माँ ना माने। अच्छा, दादी माँ। मम्मी कह दो, दादी कह दो, माता। हाँ, अच्छा, माता ही। माजी ना मरे था था। तो माँ जी की उम्र क्या होगी अभी? 100 के लगभग। तो 100 वर्ष में आप माता जी को तीर्थ हरिद्वार घुमा रहे हैं और हरिद्वार आपने माता जी को स्नान करवाया और आपने देख रहे हैं जैसा आप एक तरफ माता जी बैठी हैं, एक तरफ जल है, तो कितना वजन टोटल होगा? 1 क्विंटल 5 किलो। अच्छा, तो जैसे आप वहाँ से अभी हर की पैड़ी से यहाँ तक आए तो चलने में कोई परेशानी? कुछ नहीं, आराम से सब बोलना कृपा। तो बिल्कुल ये है हमारे साथ कलयुग के श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार आपको पता होगा जिन्होंने अपनी माता को तीर्थ करवाया था, हरिद्वार भी उन तीर्थों में से एक था। तो आज हमें कलयुग के श्रवण कुमार मिले, माता जी से भी बात करेंगे। नमस्ते माता जी। नमस्ते दादी, कैसे हो? कैसा लग रहा? बस आपको आपके बेटे जो तीर्थ करवा रहे हैं तो कैसा आपको लग रहा है? ये बहुत बड़ा यार। अच्छा, बड़ा। कितने बेटे हैं आपके? दो। कितने बेटे हैं? दो बेटे हैं, एक बड़ा एक छोटे वाले बेटे आपको घुमा रहे हैं। अच्छा, तो हरिद्वार कैसा लगा? हरिद्वार कैसे लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और इसमें कोई परेशानी आपको हो रही है? ना। और जैसे आपका आशीर्वाद है, मतलब वो पहुंच जाओगे आप 15 तारीख को? 14। अच्छा, तो एक दिन में कितना चल रहा? 1500 किलोमीटर। क्योंकि अभी मैंने देखा ना तो आप वहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर, 150-200 मीटर तो आपने खींचा ही एक ही बार में, एक मिनट। बिल्कुल। तो आप कावड़ हर साल लाते हैं या पहले? 10 बार खड़ी कावड़। अच्छा, खड़ी कावड़ 10 बार और माता जी को की बार? पहली बार। अच्छा, पहली बार। बहुत अच्छा काम आपने किया है। कावड़ के साथ भी देखते होंगे, कावड़ के साथ में 2-3 गंदे मिलते हैं। हाँ, वही तो मैं बोल रहा, आपका ना स्टाफ है सपोर्ट के लिए ना कोई, और आप अकेले हैं, अकेले निकल पड़े। बिल्कुल। अगर हम और कावड़ों के साथ बात करते हैं तो उनके साथ उनका पूरी टीम होती है खाना बनाने के लिए और सपोर्ट के लिए। आप अकेले हैं तो अकेले बिल्कुल पूरा मैनेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत ना सब को दबा रहा है। आज मौसम भी अच्छा हो गया महादेव। चलिए फिर, ठीक है, मिलते हैं आपसे। हर हर महादेव। तो बिल्कुल आप देखते हैं एक बार फिर से बयान उठा लिया उन्होंने अपनी माता जी को।
हरिद्वार की 200 से करते ना टावर, एक तरफ आप देख रहे होंगे 200 जन लीटर वाली और एक तरफ ये वाली टावर, तो दोनों टावर एक साथ हमें हट्टी पैड़ी से अब शंकराचार्य चौक पर मिल चुके हैं। क्या बता रहे थे आप, सावन की कावड़ आपके गांव में अकेली आई है? यहाँ पे यहाँ से पहली बार जा रही है। अच्छा, पहली बार ऐसी कावड़? हाँ। ये गजब है, आपने अलग ही वो बना दिया अपने गांव में। मतलब अपनी माँ कोई लेकर ना गया 50-50 किलोमीटर दूर तक मेरे इलाके में। आप पहले वो होंगे जो अपनी माता को गाँव में तो कोई लेकर नहीं आया। इस साल देख रहे हैं हम, मतलब इस साल 2-3 लोग हमें मिले जो जिन्होंने ऐसी कावड़ ले गए। शायद दो लोग याद है मुझे, दो लोग और एक पिछले साल मिले थे, तीन और आप चौथे मिले मुझे, चौथे बंदे आप जो मिले जो ऐसी कावड़ ले जा रहे हैं। बाकी कावड़ की धूम हरिद्वार में आप देख सकते हैं शंकराचार्य चौक के पास। ये तो काम अन्य तो इसका देखो, वैसे आ जाए वैसे लेने के लिए इलाके ऐसे काम अन्य ऐसे बहुत कम है, बहुत कम के मैं तो बोलता अगर 100 आ रहे ना, 100 में से एक या दो, एक सौ में से एक ले जा रहे हैं। आप इसी रूट को पकड़ना, आप इसी वाले पे सीधा बिल्कुल ये आपको वहीं ले जाएगा। इसके रात तो बहुत बोले आए कल रात को ना, जब हम आ रहे थे तो वही थे पूरा, मतलब इनके साथ बहुत ग्रुप आ गया थे ऐसे ही ना मिलते मिलते, लोगों ने फिर मदद की कि चलो हम निकलते हैं खाली करवाने में, तो ऐसे आपके साथ भी आगे जुड़ते रहे इनके लोग। चलो देखेंगे हमारे भी डाला होगा जब आएगी चीज़ नहीं आएगी, आपकी तो आएगी जरूर। अभी आप पहुँचते पहले आपकी वीडियो पहुँचेगी आपके गाँव में, देख लेना। तो एक तरफ जल एक तरफ माता जी आपने देख लिया, तो बिल्कुल आप इनको ज़्यादा हम परेशान नहीं करते क्योंकि ये इतना वजन लेकर ही निकल रहे हैं। तो हर हर महादेव, जय श्री शंकर, महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और सब पर अपना आशीर्वाद महादेव बनाए रखें, हर हर महादेव। तो बोले बिल्कुल आप देख सकते हैं निकल चुके हैं और इनके गाँव में पहुँचने से पहले इनकी वीडियो इनके गाँव में पहुँचनी चाहिए। आप सभी से निवेदन है शेयर कीजिए,